बड़ा है आप छोटा 500-600 स्क्वायर फीट ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं। अच्छा, कुछ प्लॉट इधर बचे हुए हैं और बाकी नया बैच जो है वो इस तरफ कट रहा है। इधर जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर चल रहे हैं, लगभग 100 प्लॉट पे जो है लोन भी हो चुका है। 70% लगभग जो है यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री में 50 से 60 हजार रुपए। सुल्तानपुर रोड से की थी तो सुल्तानपुर रोड का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? यहाँ सुल्तानपुर रोड 5 किलोमीटर है, फैजाबाद रोड यहाँ से 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर मतलब फैजाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड का रोड के दोनों बीच में, दोनों के। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें LKO मस्ती चैनल को और देखते रहें हमारी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले। माय टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट और उसी पर चल रहे हैं हम विजिट के लिए। अभी हम कहां पर हैं, लोकेशन की बात करते हैं। हम अभी खड़े हैं आउटर रिंग रोड यानी कि किसान पथ पे। आप देख सकते हैं ये किसान पथ है और यहां से हम जाएंगे अगर सीधा तो चले जाएंगे फैज़ाबाद रोड, यानी कि जिस प्रोजेक्ट पर हम चल रहे हैं वो फैज़ाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड के बीचों बीच में है और काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर आपका भी सपना है कि आप जो है लुलू मॉल, नियर बाई लुलू मॉल हो, अंसल हो, अंसल API हो, उसके अलावा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो और जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो ये सब आपके आसपास हो तो आपके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट रहेगा ये। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आने वाले 2-4 सालों में हम बना करके वहाँ पर रहें भी या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। बाकी आप एक बार देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा। तो नियर बाई आपका जो है सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और हम चलते हैं साइट पे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो आइए चलते हैं जल्दी से, देर न करते हुए आपको साइट पे लेकर के। तो दोस्तों, अभी हम साइट पे पहुंच चुके हैं और साइट पे पहुंचने के बाद आपकी मुलाकात कराते हैं यहाँ पे हसनैन खान साहब हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और एक बार जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं। हाय फ्रेंड। तो अभी जो है यहाँ पे हम पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो कुछ और डेवलपमेंट था, आज जो है जब हम यहाँ पे आए तो चेंजिंग हुई है, नए पैच खुले हुए हैं यहाँ पे, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि नहीं हसनैन भाई? जी जी। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी साइट जो है वो बिल्कुल मेन हाईवे से लगी हुई है ना। ये है आपका आउटर रिंग रोड, ठीक है। लखनऊ के अंदर हर आदमी आज जानता है कि आउटर रिंग रोड क्या है। जैसे कि बहुत सालों पहले की बात अगर करें, लगभग वही मान के चलिए आज से 10 साल पहले शहीद पथ, ठीक है, शहीद पथ था। शहीद पथ के अगल बगल जो है कुछ नहीं था, लेकिन आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट भी है और वहाँ पे पूरा कहीं बचा ही नहीं कुछ कि आदमी कुछ ले सके, है कि नहीं हसनैन भाई? अभी यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं आप पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, चारों तरफ कैमरा घुमा करके थोड़ा सा दिखाइए पीछे, इधर अगर आप देखेंगे तो ये आपका है आउटर रिंग रोड किसान पथ, जिसके नहर के इस तरफ भी जो है अच्छी खासी चौड़ी रोड है और नहर के इस तरफ भी अच्छी खासी चौड़ी रोड है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ सुंदर जो है इस रोड को यही बनाता है कि बीच में नहर है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये सोच होगी कि भाई नहर है यहाँ पे तो ज़मीन नीचे है ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। शहीद पथ भी आप देखें, जब आप शहीद पथ पर जाएंगे शहीद पथ भी ऊँचा है और नीचे जो है लोग बनाए हुए हैं, तो उसी तरीके से यहाँ भी है। उस साइड भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, इस साइड भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। आज की डेट में जब आप फैज़ाबाद रोड से इस तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे रास्ते में पूरा जो है अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, लोग मकान बना करके रह रहे हैं, है नहीं? अच्छा, यहाँ पे हसनैन भाई ये जो रोड दी है आपने, मेन एंट्री ये कितनी चौड़ी है? ये 50 फीट की रोड है। ये 50 फीट की रोड एंट्री आपने दी है और यहाँ पे और भी क्या क्या सुविधाएँ कंपनी आपकी दे रही है? रोड पूरी बना के देंगे, लाइट लगा के देंगे, सीओ अच्छा। डाल के देंगे, पार्क देंगे। अच्छा, फिलहाल बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपने जो है अभी रोड डाल दी है, रोड डाल दी है, बाकी नाली वाली सब बना दिए हैं, नाली बना दिए हैं, बाकी बरसात बाद रोड सब बन जाएगी हमारी। अच्छा, एक चीज़ का बेनिफिट है यहाँ पे जो है कमर्शियल के लिए हमें लग रहा है काफ़ी बढ़िया है, ये पूरी साइड ही कमर्शियल है। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल हाईवे से लगी हुई है। अभी शहीद पथ पे आप चले जाइए तो 1-2 किलोमीटर रेडियस में सारा कमर्शियल जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही है किसान पथ का, वही शहीद पथ का ही कॉपी किसान पथ बनाया गया। यानी आने वाला समय जो है दूसरा शहीद पथ है।
दूसरा शहीद पथ। इधर आप ये मुझे जो दिख रहा है लगभग अच्छी खासी बड़ी बाउंड्री है, ये डॉक्टर साहब लिए है प्लॉट, हॉस्पिटल के पर्पज से लिए है। अच्छा, यहाँ पे वो हॉस्पिटल बनाए, 40,000 स्क्वायर फीट का है प्लॉट। अच्छा, 40,000 स्क्वायर फीट लिया है उन्होंने। बाकी अभी भी यहाँ पे इस साइड ये बना है पेट्रोल पंप के पर्पज से है ये वाला। अच्छा जी। अच्छा, लोकेशन की बात करें मेन की, अगर थोड़ा सा लोगों को ये समझा दीजिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं, कहाँ से क्या दूरी है। जैसा कि हमने जो शुरुआत की थी वीडियो की सुल्तानपुर रोड से की थी, तो सुल्तानपुर रोड का डिस्टेंस क्या है यहाँ से? यहाँ से सुल्तानपुर रोड 5 किलोमीटर है, फैजाबाद रोड यहाँ से 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर मतलब फैजाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड के आप रोड के दोनों बीच में है, दोनों के बीच में, बीच में। यानी फैजाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड दोनों के बीच में है आप, तो चाहे आप फैजाबाद रोड से आ रहे हो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, चाहे सुल्तानपुर रोड से आ रहे हो। एक चीज और, नियर बाई आपका लूलू मॉल, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और ये सारी चीजें यहाँ से काना स्टेडियम आपको 3.5 किलोमीटर है, ठीक है। लूलू यहाँ से 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, एक रास्ता बन रहा है कॉरिडोर जो काना स्टेडियम, ग्रीन कॉरिडोर, एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है जो काना स्टेडियम के बगल से नदी है, गोमती नदी, नदी के दोनों डैम के पास निकल रहा है, डैम के पास 4-4 लाइन की रोड बन रही है जो सीधा इंदिरा डैम पे आके मिल रहा है। यहाँ से ये जो रोड है यहाँ से हमें लग रहा है इंदिरा डैम कितना, 500 मीटर होगा, 500-600 मीटर, 500-600 मीटर। जब ये रोड बन जाएगा जो फैजाबाद रोड का लोड है और सुल्तानपुर का जो लोड है, ये सारा लोड ट्रैफिक आ जाएगा किस इस पे आ जाएगा, सिटी में जाने के लिए नजदीक हो जाएगा, काफी बढ़िया ये रास्ता होगा जो नया बन रहा है। यहाँ से आपको हजरतगंज जाना है तो सीधा ग्रीन कॉरिडोर पकड़ के सीधा निकल सकते हैं। तो एक चीज भाई पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्लॉट जैसे कि कटिंग आपने की है, तो सबसे छोटा प्लॉट कितना बड़ा है? सबसे छोटा 500-600 स्क्वायर फीट ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, 500-600 से लगा के 50,000 स्क्वायर फीट तक प्लॉट। अच्छा, मतलब 500, 600, 800, 1000, 12, 2000 मतलब जितना भी लेना है, 5,000, 10,000 जैसा आपने दिखाया कि उधर कितना बड़ा प्लॉट लिया है वो, तो अच्छे अच्छे खासे बड़े प्लॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। फिलहाल एक चीज़ और भी पूछना चाहेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है किस तरफ के हैं? यहाँ पे पूर्वांचल में आपका गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। अच्छा। मतलब पूर्वांचल, पूरा पूर्वांचल। अब ये चीज़ आप लोग थोड़ा समझिएगा, जैसे भाई ने बताया कि गोंडा, बहराइच और पूर्वांचल आपका पूरा, ठीक है, सुल्तानपुर इधर पूरा एरिया, तो ये सब पूरा एरिया सुल्तानपुर है अपना, क्योंकि रूट ये मिलता है। आप चाहे इधर से आएंगे तो सीधा जो है वहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ पर आएंगे और साइट पे पहुँच जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए काफ़ी बढ़िया है, यानी कि साइट की कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। मेन हाईवे, उसके बाद फिर आपका यहाँ से 3.5 किलोमीटर फैजाबाद रोड, यहाँ से 5 किलोमीटर आपका सुल्तानपुर रोड। एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट सेल हो चुके हैं जो कि मुझे दिख रहा है ना जी। इस तरफ अगर देखें तो हमें लग रहा है इस तरफ तो प्लॉट बचे नहीं है, सब सेल आउट हो चुके हैं। कुछ प्लॉट इधर भी बचे हुए हैं, बाकी नए प्लॉट सब सामने कट रहे हैं। अच्छा, कुछ प्लॉट इधर बचे हुए हैं और बाकी नया पैच जो है वो इस तरफ कट रहा है। इधर जो आप देख रहे हैं ट्रैक्टर चल रहे हैं और इधर जो है जो काम हो रहा है पूरा लेवलिंग हो रही है, तो ये प्लॉट्स हैं, है ना जी जी। तो यहाँ पे अभी जो भी साइज आप प्लॉट लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप 800 लें, 1000 लें, 2000 लें, 5000 लें, 800 स्क्वायर फीट कोई प्लॉट ले रहा है उसके भी प्लॉट के सामने 30 फीट की रोड रहेगी, सारी रोड कम नहीं रहेगी, 50 फीट 40 फीट 30। यानी मेन एंट्री 50 फीट 40 फीट 30 फीट, और जितने भी प्लॉट्स यहाँ पर हैं सब दाखिल खारिज हैं, सब दाखिल खारिज, है ना। आप लीजिए तुरंत जो 3 महीने में दाखिल खारिज हो जाएगा, 3 महीने में दाखिल खारिज हो जाएगा, 3 महीने के अंदर ही दाखिल खारिज हो जाएगा। अच्छा, 3 महीने के अंदर ही हो जाएगा, उसके बाद बैंक से लोन भी हो जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, बैंक से लोन भी हो जा रहा है यहाँ पे, तो देखिए ये चीज़ एक बड़ी अच्छी, यहाँ पे बैंक से लोन हो जा रहा है प्लॉट पे। और लगभग कितना मतलब लोन हो जाता है भाई? 75% लोन हो जा रहा है इस पे, यानी कि अगर 10 लाख रुपए का प्लॉट है 7.5 लाख हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए यहाँ पे लोन भी हो रहा है। कौन सी बैंक कर रही है? आईसीआईसी से हो रहा है, आईसीआईसी से हो रहा है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे लोन कुछ हो चुके हैं अभी इस पे, 100 प्लॉट पे लोन हो चुका है, 100 प्लॉट पे लोन भी हो चुका है, प्लॉट जितने भी सब लोन ही हुआ है सब बैंक से। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 100 प्लॉट पे लोन भी हो चुका है, यानी कि जो प्लॉट इधर के देख चुके हैं, देख रहे हैं आप जो भाई बता रहे हैं, इस पे लगभग 100 प्लॉट पे जो है लोन भी हो चुका है। 70% लगभग जो है यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है, आप मात्र 30% यहाँ पर दे करके और यहाँ पर प्लॉट खरीद सकते हैं। ये देखिए इस तरफ पूरी आबादी भी है। ये कौन सी जगह लगती है भैया? मेहोरा जी। तो ये मेहोरा लगती है जगह जो सामने दिख रही है, लखनऊ सदर में रजिस्ट्री इसकी है। अच्छा, लखनऊ सदर में रजिस्ट्री इसकी, लखनऊ सदर की रजिस्ट्री है, जिला लखनऊ ही है। तो इसकी जो रजिस्ट्री है वो लखनऊ सदर की है, मतलब ये दिमाग में ना लाइएगा कि हाँ किसी और जिले में लग रही है या कहाँ लग रही है। हाँ, बहुत सी ऐसी जगह भी है जो बाराबंकी में भी लगती है, लेकिन ये जगह आज लखनऊ में लगती है। लखनऊ में यहाँ से 3 किलोमीटर में गोमती नगर शुरू हो जाएगा, 3 किलोमीटर यहाँ से सामने ही आप बिल्कुल जाएंगे, ये आपका जुगौर, मल्होर, मेट्रिक क्रॉस करेंगे
सीधा उधर पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ से चारबाग का क्या डिस्टेंस होगा? चारबाग यहाँ से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, तो चारबाग यहाँ से 12 किलोमीटर है। और हमें लग रहा है कि आने वाले समय का, क्योंकि देखिए सबसे मेन बात ये होती है कि जब कोई कहीं भी प्लाट खरीदना चाहता है या कहीं आने वाले समय बनाना चाहता है कि भाई लखनऊ ऐसा शहर जहाँ पे जो है आज ये समझ लीजिए कि हमें लग रहा है कि जो गोमती नगर एरिया है आपका, अमिनिटी जो आपने बताया उस जगह पे भी बहुत महंगी जमीन हो गई है अभी, है ना? अमेठी 2 किलोमीटर पे, अमेठी यहाँ से है, बीबीडी यहाँ से 2 किलोमीटर पे, बीबीडी यहाँ से 4 किलोमीटर पे है। यानी अमेठी पे अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो हमें लग रहा है अच्छी खासी सस्ती जमीन थी, वहाँ 250 रुपये जमीन थी। आज क्या है? आज वहाँ पे 3000 रुपये। बताइए, तो आने वाला समय जो है वो यहाँ पे भी लगभग 2500 से 3000 रुपए यहाँ, दो तीन साल चार साल में हो जाएगा 3000-3500 रुपए रेट, जहाँ ये अच्छे से चला। अरे जहाँ भी नीचे सर्विस रोड इधर बनना शुरू हो जाएगा, सब आगे जितने बड़े बड़े प्लॉट जो लोग लिए हैं लोग कमर्शियल बनाना स्टार्ट कर देंगे तो रेट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप जो है इन्वेस्टमेंट के उससे माइंड में रख करके अगर प्लॉट लेते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है, यहाँ पे बनाने के लिए आगे अगर आप लेते हैं तो भी बेस्ट है। 6 महीने बाद घर बनवा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 6 महीने साल भर में आराम से अपना बनवा सकते हैं, क्योंकि आप सारी फैसिलिटी यहाँ पे तब तक की दे ही दोगे, लाइट वगैरह का यहाँ पे सिस्टम हो जाएगा तब तक। अच्छा, यहाँ से चारबाग कितना बताया? 12 किलोमीटर। चारबाग 12 किलोमीटर। अच्छा, एक रास्ता और है जो इधर से भाई बता रहे थे कोई रास्ता निकल रहा है, जब फैजाबाद रोड से आएंगे तो 20 से कोई रास्ता एक निकल रहा है सीधा, एक रास्ता जो फैजाबाद रोड चौड़ा हो रहा है जो 6 लेन बन रहा है, हाँ, ये आगे आगे 17 रोड से होकर यहाँ मेहरा के पास बन रहा है, हाँ, तो वो निकल रहा है बाराबंकी सीधा सागर के पास चला जाएगा। अच्छा, सीधा सागर के पास निकल रहा है, तो मतलब जो भी यहाँ पे आना चाह रहा है अगर मान लो उधर से आ रहा है तो सागर से चढ़ेगा और यहाँ साइड के पास निकलेगा, यहाँ से फैजाबाद रोड 3 से 4 मिनट फैजाबाद रोड पहुँच जाएंगे और यहाँ से सुल्तानपुर रोड आपको जाना है 5 मिनट पहुंच जाएंगे। मतलब आप सुल्तानपुर रोड से पूर्वांचल के कोई है कोई आना चाह रहा है तो फैजाबाद रोड से आएगा तब भी नजदीक है, सुल्तानपुर रोड से आएगा तब भी नजदीक है। अच्छा, क्या खर्चा आ जाएगा रजिस्ट्री में? यहाँ पे रजिस्ट्री में खर्चा आता है 50-60 हज़ार रुपये, 1000 स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। अच्छा, 1000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री में 50-60 हज़ार रुपये यहाँ पर लग जाते हैं। अच्छा, अब बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी लेने आता है हमारे चैनल के माध्यम से, अगर परचेज करता है जिसको भी ये साइट पसंद आई है, सबसे मेन चीज़ तो देखिए हमने जो जानकारी आपको दी है, जो भी भाई से जानकारी मिली वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, स्क्रीन पे नंबर जो है उस पे कॉल करके आप अधिक जो भी जानकारी यहाँ के बारे में लेना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ के चेक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? रजिस्ट्री ले लें और चेक करा लें, उसके बाद पोजीशन कब्जा ले लें, उसके बाद प्लाट बुक कराया पैसा दीजिए। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्री पहले कब्जा ले लें बाद में, मतलब ये कि कोई वैसा नहीं है, आप आइए पहले अपनी चीज़ लीजिए और बाउंड्री कराइए, उसके बाद पैसा दीजिए। हमारे माध्यम से जो भी लोग आएंगे भाईजान कुछ उनको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, मतलब उम्मीद रखें कि डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल रहेगा, मिलेगा भाई, मुस्कुरा दिए, मतलब ये है कि डिस्काउंट मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉल करें और देरी न करते हुए एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि अगर ऐसी प्रॉपर्टी आप कहीं भी सर्च कर रहे हैं देख रहे हैं तो एक बार विजिट करने में क्या हर्ज है, एक बार आएँ देखें और जब देखेंगे आप सारी चीज़ें खुद तो समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ है, क्या देखने हम आए। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब इस वीडियो को आप व्हाट्सअप, फेसबुक, जहां भी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।